निशाने सजदा सजाकर बहुत गरूर न कर, वो नियतों से नतीजा निकाल लेता है, वो नियतों से नतीजा निकाल लेता है। यकीनन दिल की धड़कनों पर गालिब है परवरदिगार, वो नियतों का हाल जानता है। इंसान कितनी मक्कारी करे मगर वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। अच्छे नागरिक बने और अच्छे अच्छे देशवासी बने, इसकी बार बार दरख्वास्त करना चाहूंगा आप सब हजरात से। आए अल्लाह बात को आगे बढ़ाते हुए यूं कहें कि उंगलियों की जबानें न थी, बहुत खूबसूरत शेर पढ़ गए। मुझे महमूद शहर का एक शेर याद आया कि खून दिल उतर आया उंगलियों की नोकों पर, खून दिल उतर आया उंगलियों की नोकों पर, जब उसे लिखा खत में हम हैं और घर तन्हा, जब उसे लिखा खत में हम हैं और घर तन्हा। मोहतरम हजरात, उंगलियां भी बोलती हैं, इशारों से बात करना ही शायरी होती है। बहुत खूबसूरत माहौल जगह इशारों में रसीम साहब। आए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंदौर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान नौजवान शायर को आवाज देते हैं, जो इल्म शऊर से भरपूर शायरी के लिए जाना और पहचाना जाता है। तजदीद साफी के नाम से जिसे हिंदुस्तान के अदब में जाना पहचाने जाने लगा है, मैं दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाए अपने कलाम से मधुर कुमार रब। तजदीद साफी इंदौर बतौर खास मतलब समाप्त फरमाए दोस्तों, गजल का मतलब पढ़ता हूं। निकली जो रक्स करती हुई इत्रदान से, निकली जो रक्स करती हुई इत्रदान से, खुशबू लिपट गई है हमारी जबान से। निकली जो रक्स करती हुई इत्रदान से, खुशबू लिपट गई है हमारी जबान से। गजल का शेर आपके लिए, खुशबू लिपट गई है हमारी जबान से, एक आफताब सामने खिड़की में खड़ा था, एक आफताब सामने खिड़की में खड़ा था, किरणें निकल रही थी हमारे मकान से, आफताब सामने खिड़की में खड़ा था, एक आफताब सामने खिड़की में खड़ा था, किरणें निकल रही थी हमारे मकान से। मैं नौजवान दोस्तों के लिए एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूं, शरीफ होंगे। बस्ती मुझसे दूर बसाली तुमने क्या, बस्ती मुझसे दूर बसाली तुमने क्या, मेरे गम से जान छुड़ा ली तुमने क्या, बस्ती मुझसे दूर बसा ली तुमने क्या, मेरे गम से जान छुड़ा ली तुमने क्या, कल जो मैंने ताजा ताजा भेजी थी, कल जो मैंने ताजा ताजा भेजी थी, वो फोटो सीने से लगा ली तुमने क्या, जो मैंने ताजा ताजा भेजी थी, कल जो मैंने ताजा ताजा भेजी थी, वो फोटो सीने से लगा ली तुमने क्या, वो फोटो सीने से लगा ली तुमने क्या। एक मतला एक शेर समाप्त करना है कि मजबूर हूं ए रब्बे कायनात क्या करूं, मजबूर हूं ए रब्बे कायनात क्या करूं, फिर बन रहे हैं जंग के हालात क्या करूं, मजबूर हूं ए रब्बे कायनात क्या करूं, फिर बन रहे हैं जंग के हालात क्या करूं, कच्चा मकान देखकर बादल तो थम गया, कच्चा मकान देखकर बादल तो थम गया लेकिन मेरी आंखों में है बरसात क्या करूं, कच्चा मकान देखकर बादल तो थम गया लेकिन मेरी आंख में। एक बताओ कुछ फरमाए के मैं तो चुप हूं मेरा किरदार बहुत बोलता है, क्या बात मैं तो चुप हूं मेरा किरदार बहुत बोलता है, मेरे अंदर है जो फनकार बहुत बोलता है, मैं तो चुप हूं मेरा किरदार बहुत बोलता है, मेरे अंदर है जो फनकार बहुत बोलता है, और हो इजाजत
गुस्ताख को जिबा कर दूं, हो इजाजत तो इस गुस्ताख को जिबा कर दूं, आपके सामने सरकार बहुत बोलता है, हो इजाजत तो इस गुस्ताख को जिबा कर दूं, आपके सामने सरकार बहुत बोलता है, आपके सामने एक गजल के दो चार से और समाप्त होना दोस्तों के लहू में जोशे वहदत घोल दे अब, लहू में जोशे वहदत घोल दे अब, इलाही सबकी आंखें खोल दे अब, क्या बात क्या बात, लहू में जोशे वहदत घोल दे अब, इलाही सबकी आंखें खोल दे अब, यजीदी दौर गालिब हो रहा है, यजीदी दौर गालिब हो रहा है, हमें शब्बीर वाला रोल दे अब, यजीदी दौर गालिब हो रहा है, हमें शब्बीर वाला रोल दे अब, गमों का बोझ कम होने लगा है, गमों का बोझ कम होने लगा है, मेरे सर पे ये दुनिया ढोल दे अब, गमों का बोझ कम होने लगा है, मेरे सर पे ये दुनिया ढोल दे अब, सवा नेजे पे सूरज आ गया है, सवा नेजे पे सूरज आ गया है, मेरे महबूब जुल्फे खोल दे अब, शुक्रिया।